हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे हो, और दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, और आजकल का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है। बट दोस्तों आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो का जितना भी कमेंट आप लोगों ने किया है, वो कमेंट का एक भी आंसर मैं आप लोग को नहीं दिया हूँ, तो इनके लिए मैं सॉरी कहता हूँ दोस्तों आप सभी से। बट जितना भी अभी यहाँ पे बेंगलोर पे आना चाहते हो, मैं उनसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो उनके सब। अगर आप बेंगलोर पे आ चुके हो तो बहुत ही अच्छा है, आप खुद ब खुद जॉब ढूंढ लीजिए। अभी देखिए, जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्त। आप बेंगलोर का जितना भी इंटायर बेंगलोर पे जितना भी फैक्ट्रीज है, उनका नाम आप पहले आइडेंटिफाइड कीजिए। कैसे करके आइडेंटिफाइड करेंगे, उसे आपको गूगल करना पड़ेगा। उसे आप टाइप कीजिए गूगल में जा करके कि कंपनी लिस्ट ऑफ बेंगलोर, ठीक है, ओल्ड कंपनी लिस्ट ऑफ बेंगलोर। तो आप देखेंगे वहाँ पे एक वेबसाइट आएगा, वेबसाइट के नीचे आप कंपनी लिस्ट मिलेगा आपको, तो वो कंपनी का डिटेल्स आप वहाँ से पता कर सकते हैं, और कंपनी कहाँ पे है वो जान करके पता लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो, आज पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचाए। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूं, लगभग 200 में बना चुका हूं बेंगलोर यहां का इंडस्ट्रियल्स के बारे में। तो यहां पे देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, बेंगलोर एक बहुत बड़ा एरिया है। बट बेंगलोर पे अलग अलग प्लेस पे, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे, बेंगलोर पे ही दो डिस्ट्रिक्ट पे बांटा गया है बेंगलोर को, मतलब एक अर्बन में और एक रूरल में बेंगलोर को ही दो में बांटा गया। उनके बाद में पीनिया है, उनके बाद में कोलार डिस्ट्रिक्ट है, तो अलग अलग है दोस्तों। होसूर, जैसा कि होसूर में बोलूँगा तो तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल वगैरह है, मतलब ढेर सारा है दोस्तों। बट आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा आप बेंगलोर पे कौन सा एरिया पे आना चाहते हो, या फिर आपका दोस्त अगर कोई बेंगलोर पे है तो वो कहाँ पे रुकता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा दोस्तों, अगर आप बेंगलोर पे नहीं आए हो, आने के लिए सोच रहे हो, तो कुछ मैं प्लेस बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, यहाँ का रेलवे स्टेशन, दो आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, एक बेंगलोर कैंट मिलेगा और यशवंतपुर आई के वाई शायद एसआर के ना कुछ है, और तीन रेलवे स्टेशन मिलता है और एक एयरपोर्ट मिलता है, एयरपोर्ट हम केम के गोड्डा यो एयरपोर्ट भी है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ, लगभग अगर वहीं से, मतलब आप रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते हो, तो जैसा कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है वो पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ा हुआ है, और अगर हम बात करेंगे बेंगलोर कैंट का, बेंगलोर कैंट भी आपका यहाँ पे मेजेस्टिक एक बेंगलोर का बहुत बड़ा बस स्टैंड है, वहाँ से सर्विस जैसे कि कोलकाता का धर्मतला होता है या फिर न्यू दिल्ली का न्यू दिल्ली होता है, ऐसे भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है जिसे मेजेस्टिक कहा जाता है दोस्त। वहाँ पे आकर के आप बेंगलोर पे कहीं पे भी जाने के लिए आपको सुविधाएँ मिल जाएगा। एक दिन मैं आपको वो मेजेस्टिक का वीडियो दिखाऊंगा दोस्त, मेजेस्टिक का, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं दोस्त अलग अलग वो हिस्सा का जहाँ पे आप बेंगलोर पे आकर के काम करना अगर चाहते हो। तो अगर मान लीजिए आप क्लास 12 पास किया हो, या फिर आपका क्लास बहुत ही कम है, आप 9-10 या फिर 5-6 पढ़ा लिखा है, आपको काम चाहिए यहाँ पे कोई किस प्रकार, मतलब आपको वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, या फिर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्कर काम करना चाहते हो। आजकल क्या होता है कि लड़का लोग अगर आपका, या फिर औरत लोग कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर आकर के इंडस्ट्रियल में वर्क कर सकते हो, उनके साथ में अगर चाहते हो तो आप जैसे कि कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनता है, यहाँ पे बेंगलोर पे आजकल बहुत सारा बिल्डिंग बन रहा है, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। उनका मैं आपको अलग से इनका वीडियो बनाऊंगा कि आपको इन कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कितना घंटा काम करने के लिए कितना पैसा मिलता है। बट आज मैं इस वीडियो में बात करूँ दोस्तों, कहीं बेंगलोर का हिस्सा को बांटा गया है, जैसे कि मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया सबसे पहले बता दूँ, इंडस्ट्रियल एरिया के कई तरह से बांटा गया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि प्रोडक्शन यूनिट, आर एस एम एल यूनिट, और उन्हीं के साथ में दोस्तों सॉफ्टवेयर यूनिट, वो अलग अलग बांटा गया है। अगर आप सॉफ्टवेयर का बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर सिटी में है, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ज़्यादा मिलेगा, उनके बाद में वेलेंडूर, मारथली, ये सब में आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। और उनके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको बॉमचंद्रा और जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगा, उन्हीं के साथ में आपको पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया पे भी मिलेगा। और इनका जो अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आप अगर जाएंगे तो कोलार डिस्ट्रिक्ट में भी आपको कुछ मिल जाएगा, नॉर्थ कर्नाटका पे भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा इंडस्ट्रियल, बट वो स्टील इंडस्ट्रियल एरिया या फिर माइन पड़ जाता है आपका, तो बहुत ही दूर हो जाता है यहाँ से, वो गोवा के नज़दीक हो जाता है। सो दोस्तों मैं आज भी बात कर रहा हूँ बेंगलोर का ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो बेंगलोर को कई से बांटा गया है, जैसे कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करेंगे, सबसे बेंगलोर का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है व्हाइटफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया को, जो व्हाइटफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल होसूर का, मतलब
तमिलनाडु के सामने है, बॉर्डर पे पड़ जाता है, वो व्हाइटफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया का पड़ेगा। और आगे जाएंगे तो आपको कोलार इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, बट कोलार इंडस्ट्रियल एरिया अभी तक उतना ग्रो अप नहीं हुआ है, बट रिसेंटली जो ग्रो अप हो रहा है इस जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही अच्छा, जिग्नी बोमचंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही अच्छा ग्रो अप हो रहा है। उनके साथ में आप आती वेला इंडस्ट्रियल एरिया जो आपका मेन हाईवे का चेन्नई हाईवे का सामने ही पड़ता है, आप वहाँ पे भी जा करके काम कर सकते हैं। तो मैं आप आज मैं नाम बता दूँ, सबसे पहले व्हाइटफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा पिनिया इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरा अगर बात करें बोमचंद्रा जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया, और चार नंबर अगर बात करेंगे तो आप आती बेले के सामने, आप आती बेले पे भी जा करके काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है, सिटीज़ को अलग अलग हिस्से में बांटा गया, अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि जेपी नगर उनकी बात में सिल्क बोर्ड मरथाली, उनके बाद में बेलेंडूर, उनके बाद में काफ़ी सारा है और मैंने आपको बता दिया, और सेल बोर्ड तो बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उनके बाद में बोमचंद्रा, ये जो है BTM और SRS लेआउट, ये जो अलग अलग है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये सॉफ्टवेयर काम करने को वाला का यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगल बगल ही ऑफिस रहता है, बट इंडस्ट्रियल वर्कर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया के ही सामने रहता है। तो इसलिए मैं आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप चाहते हो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, मतलब आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक पढ़ा लिखा हो, तो आप यहाँ पर आकर काम कर सकते, आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो, वर्कर से लेकर के कोई भी, मैं आपको पहले ही बताया, आप सिक्योरिटीज का भी काम कर सकते हैं और काफ़ी सारा ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंडस्ट्रीज में काम करना नहीं चाहते हो, ऑफिशियल काम करना चाहते हो, तो आपको सिटीज में प्रेफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का ऑफिस में कई सारा वेग ऑफिस का काम होता है, या फिर आप वहाँ पे कुछ भी ऑफिस वगैरह का काम कर सकते हो और उनका कैंटीन वगैरह में काम कर सकते हो, ठीक है। तो आगे आप जब भी आप आएंगे तब आपको पता चलेगा। और आज जॉब का बात दोस्तों, अगर घर बैठे आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, अगर सॉफ्टवेयर का जॉब वो अलग होता है दोस्तों, दूसरा जॉब अलग होता है, बट अगर आप इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन इंजीनियर प्रोडक्शन का काम करना चाहते हो, तो आपको फेस टू फेस आकर के काम ढूंढना होगा, उनके बाद में आपको काम मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी आज ही रहता है कल नहीं रहेगा, मतलब एक घंटे के बाद में वैकेंसी खत्म हो सकता है, ठीक है। और इनके लिए आपको डायरेक्टली कंपनी में जाकर विजिट करना होता है, वहाँ का कंट्रैक्टर से विजिट करना बात करना होता है, वो आपको काम में लगाएगा। सो दोस्त अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं इस वीडियो का लिंक में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी इंक्वायरी तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक। और इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे और मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन फ्रेंड, टेक केयर।